नमस्कार दोस्तों, ये है मेरा टेरेस गार्डन और यहाँ बारिश के बाद कुछ ऐसा सीन है। काफ़ी सारे पौधे जो है वो खिल चुके हैं। ये देखिए, मोगरे के पौधे में छोटी छोटी कलियाँ लगी हैं जो कि खिलने के लिए रेडी हैं। और ये एक कली तो यहाँ पर खिल चुकी है ऑलरेडी। बारिश से मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है दोस्तों, और थोड़ी गर्मी भी कम होती है और पेड़ों को भी काफ़ी राहत मिलती है। ये है मेरा गुलाब का पेड़। ये आम का पेड़ है, छोटा है अभी। इस पेड़ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हम घर वाले इसको ओवे का पेड़ बोलते हैं। आपको अगर नाम मालूम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ गुलाब के पेड़ में भी काफी कलियां आ चुकी है और कुछ तो गुलाब भी खिल चुके हैं। ये लाल कलर का गुलाब है दोस्तों। मेरे पेरेंट्स ने कई तरह के अलग अलग कलर वाले गुलाब यहाँ पर लगाए हैं। ये देखिए, एक पिंक कलर का गुलाब है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ एक कली भी है जो खिल रही है धीरे धीरे। और ये पीछे जो है, ये गुडवेल का पेड़ है दोस्तों। ये काफ़ी लंबा है, नीचे से सेकेंड फ्लोर तक आ चुका है और ऊपर में भी फिर से इसने अपने रूट्स फैला दिए हैं। तो इसको तो कई बार हमने यहाँ से काट दिया है क्योंकि यहाँ पर कुछ केबल वायर वगैरह है, लेकिन फिर भी ये फैलते रहता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ हमारा छोटा सा टेरेस गार्डन है। अगर कुछ सजेशन हो तो कृपया बताइएगा कमेंट करके। ये हमारा जासवंत के फूल का पौधा है और ये पौधा हमारा मीठे नीम का था जो कि हमने अभी काट के फिर से इसको रीरूटिंग करना शुरू किया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हरी हरी पत्तियाँ भी इसमें आ चुकी है। पहले इसमें ज़्यादा पत्तियाँ नहीं आती थी, लेकिन हमने इसमें फिर से सॉइल चेंज करके और थोड़ा सा रेत मिक्स करके इसको फिर से हमने जनरेट करने के लिए प्रोसेस किया है। अभी और दोस्तों काफ़ी सारे पौधे लगाना बाकी है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। धन्यवाद।